नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉली फ्राई। सुशांत सिंह राजपूत के निधन को अब एक महीना होने को है। इस एक महीने में पुलिस 30 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन सुशांत के इस कदम तक पहुंचने के किसी ठोस कारण तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही है। यही वजह है कि सुशांत के फैंस के साथ साथ कुछ बॉलीवुड और टीवी स्टार्स इस केस को सुलझाने के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। शेखर सुमन, कंगना रनौत से लेकर रूपा गांगुली और रतन राजपूत जैसे स्टार्स के बाद अब टीवी एक्टर तरुण खन्ना भी एक्टर की मौत को लेकर सीबीआई जांच चाहते हैं। हाल ही में तरुण ने एक वीडियो जारी कर सुशांत के उन दोस्तों पर भी गुस्सा जताया जो उनके बेहद करीब थे। कसौटी जिंदगी की, देवों के देव और आराम जैसे टीवी शोज में नजर आ चुके तरुण खन्ना ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद बॉलीवुड सेलिब्रिटीज द्वारा सीबीआई जांच की मांग न उठाए जाने पर गुस्सा जाहिर किया है। इसके साथ ही उन्होंने सुशांत के दोस्त संदीप सिंह और रिया चक्रवर्ती पर भी सवाल उठाए हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम तरुण खन्ना है। आप में से जो मुझे जानते हैं वो जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं मैं उन्हें बता दूं, मैं भी टेलीविजन में एक छोटा मोटा एक्टर हूं, काफ़ी साल से काम कर रहा हूं। आज मैं जिस बारे में बात करना चाहता हूं वो है सुशांत सिंह राजपूत। मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी भी अपने काम के अलावा या अपने दोस्तों परिवार के अलावा कभी किसी के बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन साहब मुझसे रहा नहीं जा रहा। जिस दिन से सुशांत की डेथ हुई है मुझे ये बात रह रहकर काट रही है कि मैं चुप क्यों हूँ, क्योंकि किसी भी गैदरिंग में जहाँ भी मैं दोस्तों के साथ शूटिंग पर बैठता हूँ या जहाँ कहीं भी पर्सनल लेवल पर बात हो रही है, आई एम ट्राइंग टू टेल एवरीबडी दैट थिंग्स आर नॉट एडिंग अप। ये चीज़ें कुछ पुख्ता सी नहीं लग रही हैं। सुसाइड करने की एक मनस्थिति होती है, ये कहा जा रहा है कि सुशांत ने डिप्रेशन में आके सुसाइड किया, ऐसी थियोरी एक प्रेजेंट की जा रही है, ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। तो मैं ये जानना चाहूँगा भाई, किस बात का डिप्रेशन था उन्हें कि उन्होंने पवित्र रिश्ता जैसा सुपरहिट सीरियल किया जो कई साल तक भारत के टेलीविज़न पर नंबर वन था? क्या उन्होंने काइपोजे जैसी फिल्म की, इस बात का डिप्रेशन था? उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के बायोपिक में काम किया एज महेंद्र सिंह धोनी, इस बात का डिप्रेशन था? या उनकी लास्ट फिल्म छिछोरे ने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया 150 करोड़ रुपये के ऊपर का, इस बात का डिप्रेशन था? इंडिया का जो सबसे बड़े, बॉम्बे में सबसे बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स में से एक है मुकेश छाबड़ा, जब वो फिल्म बनाने जाता है वो उसको अपनी फिल्म में हीरो लेता है। या मैं बता दूं कि मुकेश छाबड़ा ने हुमा कुरैशी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, खुद सुशांत सिंह राजपूत, अमित साध, राजकुमार राव और भी बड़े सारे एक्टर्स को लाइमलाइट में लाने में हेल्प की है। बॉम्बे में बहुत सॉट आफ्टर कास्टिंग डायरेक्टर माना जाता है। जिस आदमी की तवज्जो पाने के लिए सारे के सारे एक्टर, न्यू कमर्स या एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स भी मरे जाते हैं, वो आदमी जब खुद फिल्म बनाता है तो वो सुशांत सिंह राजपूत को हीरो लेता है अपनी फिल्म में, यानी कि वो सुशांत का फ़ैन है। अब जिस आदमी की लाइफ में इतना सब कुछ हो रहा हो, करोड़ों रुपये की ऐसा पता चला बैंक से उसके पास संपत्ति थी, करोड़ रुपये की, तो वो डोनेशंस बांट रहा था, पैसे की कोई कमी नहीं थी इसका मतलब। अब साहब मेरा पॉइंट सिंपल सा ये है कि एक आदमी जो इतना ब्रिलियंट, पढ़ाई में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्टिंग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसने मतलब धोनी को कन्विंस किया कि वो उसका रोल करे, उसने इंडिया का नंबर वन डायरेक्टर है राजकुमार हिरानी उसको कन्विंस किया कि वो उसको अपनी फिल्म में ले, छिछोरे दंगल जिसने बनाई वो तिवारी साहब, उन्होंने जब अगली फिल्म बनाई तो उसमें सुशांत को हीरो लिया छिछोरे में, इतने लोगों को वो आदमी कन्विंस कर रहा था अपनी प्रतिभा से। ऐसे आदमी को आपको लगता है कि डिप्रेस होने की ज़रूरत है? साहब काम की डिप्रेशन तो नहीं हो सकती, 5-6 फिल्में हाथ से निकल गई तो क्या हुआ? वो लड़का साहब जो टेलीविज़न में काम करते हैं मेरे जैसे 15-15 साल से, उनसे पूछिए, यहाँ पर नाको चने चबाने पड़ते हैं तब जाके रोटी खाने को मिलती है, इतना हमसे काम करवाया जाता है और थोड़े से पैसे मिलते हैं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत हम लोगों के लिए एक आशा की किरण था, वो आदमी था जिसको वी ऑल यूज टू लुक अप टू, हमें लगता था यार ये भाई ने वो काम कर दिया है जो हम सब करना चाहते थे, हम लोगों के लिए तो हीरो था वो। अब हमारे हीरो को मार दिया गया है या मर गया है, हमें जानने का तो हक है ना साहब, इतना भी नहीं हम कर सकते? आप मुझे बताइए, मैं एक छोटा सा एक्टर हूँ टेलीविज़न का, तरुण खन्ना जिसका नाम है, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि सुशांत की हत्या हुई है, उसने खुदकुशी नहीं की है, अगर उसने खुदकुशी की है तो थिंग्स आर नॉट एडिंग अप। अब ये बात मैं तो जानता नहीं, सुशांत को बहुत अच्छे से मैं जानता नहीं था, मैं तो उसको सिर्फ जिम में कभी कुछ एक बार 3-4 बार मिला था, हेलो हाय टाइप थी हमारी। लेकिन जो उसके दोस्त हैं वो संदीप सिंह, मैंने उसका इंटरव्यू देखा, साहब आप सब लोग उसका इंटरव्यू देखिए यूट्यूब पर, उसने एबीपी न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है, वहाँ पर उसने पहली लाइन से ही ऐसा बोलना शुरू कर दिया कि किसने बोला है कि सुशांत को किसी ने मारा है, आप लोग ही अपने आप से बोले जा रहे हैं। उसने एकदम से सबको क्लीन चिट दे दी, उसकी वो जो तथाकथित गर्लफ्रेंड है रिया चक्रवर्ती, क्या ये लोग आके आगे आके बोल नहीं सकते हैं?
या तो ऐसा हो कि भाई बोल दें कि हम बोलना चाहते हैं लेकिन पुलिस ने हमें बोलने से मना किया है, तो भी लोग चुप कर जाएं एक बारी को। जब आप उसके घर में पल रहे थे, खाने खा रहे थे उस स्टार के पैसों पर, तब आपको सब चलता था। आज वो मर गया है, आप एक बारी संदीप सिंह का वो इंटरव्यू देखिए, वो ऐसे बात कर रहा है जैसे सुशांत को बनाने वालों में से वो कोई एक था कि हमने तो किसी को नहीं कहा, हमने तो, अरे भाई तुम कौन हो, तुम सुशांत के घर वाले नहीं हो, उसकी बहनें, उसके पिताजी वो हैं उसके घर वाले, उसके जीजा लोग वो हैं उसके घर वाले, उसका खून नहीं खौल रहा, मेरा खून खौल रहा, मैं एक आउटसाइडर हूँ, उसको ठीक से जानता तक नहीं था, लेकिन मेरे को ये लग रहा है मेरी इंडस्ट्री का आदमी है साहब, मैं जब इस इंडस्ट्री का होके मेरे को बुरा लग रहा है कि यार उसको क्यों मारा गया। पुलिस से जांच हो जाएगी, आई एम श्योर पुलिस बड़ी हमारी अच्छी काबिल पुलिस है, जब काम करने पर आती है तो बहुत अच्छे से करती है, लेकिन इतने बड़े बड़े जो हमारे फिल्म स्टार्स हैं, जो हमारे सुपर स्टार्स हैं, अमिताभ बच्चन साहब, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, और भी बड़े सारे हमारे पास में सुपर स्टार्स हैं, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, वेयर आर दे, व्हाई आर दे सेइंग कि हमारा साथी मर गया है, हमारे उस साथी की मौत की जाँच होनी चाहिए CBI के द्वारा, ऐसा क्यों नहीं बोला जा रहा? माफ कीजिए, क्योंकि सुशांत का कोई गॉडफादर नहीं है इंडस्ट्री में, वो किसी बड़े प्रोड्यूसर का या किसी बड़े हीरो का या किसी बड़े डायरेक्टर का बेटा नहीं है, आउटसाइडर है, इसलिए कोई बात ही नहीं कर रहा उसके बारे में। यार क्यों नहीं किसी ने एक बार भी ये फूटे मुंह कहा कि भाई सुशांत का CBI जांच करवानी चाहिए? अगर खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, रणबीर कपूर के साथ में ऐसा हो गया होता तो आपको लगता है कि क्या तब भी CBI जांच ना होती? अगर वरुण धवन के साथ में, भगवान ना करे, बिकॉज वरुण मुझे बहुत छोटे भाई के जैसा प्यारा है, अगर उसके साथ में खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो जाए तो, या रणबीर सिंह के साथ में ऐसा हो जाए जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, अगर इन लोगों के साथ में ऐसा खुदा ना खास्ता हो जाए तो तब क्या होगा? क्या तब भी ऐसे लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे? क्या तब जांच नहीं होगी? अरे यार प्लीज़, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर तो इफ़ द इन्वेस्टिगेशन इज़ गोइंग ऑन और पुलिस इसलिए चुप है कि भाई हम लोग रियल कल्प्रिट को पकड़ने के पास में हैं, इसलिए जानबूझ के उसको ढील दे रहे हैं, एटलीस्ट कुछ तो ऐसा लोगों को बोले, बिकॉज वो लड़का 14 जून को मरा था, आज 6 जुलाई हो गई है, आज 20 दिन से ऊपर हो चुके हैं, वी आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज आप लोग उसकी मौत को बार बार सुसाइड बोलते हो पुलिस वाले, दिल को बहुत धक्का लगता है भाई, दिल को बहुत धक्का लगता है। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आज एटलीस्ट मुझे कल को ये ना लगे कि जब ये समय बीत जाए कि यार मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं घर पे बैठा रहा चुप करके, मैं आई फेल्ट वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस टॉपिक, अबाउट दिस होल इशू। तो मैं जब भी उसके फादर को देखता हूँ, दैट गाय, मैं तो साहब उनको जानता भी नहीं हूँ, लेकिन आप सोचिए ना यार, इतना मुश्किल होता है किसी के लिए अपने, उसका वो बेचारा माथा पकड़ के बैठा हुआ आदमी, 34 साल की उम्र में उसका बेटा मर गया, ये उसके फादर की एज नहीं थी अपने बेटे के ऊपर आंसू बहाने की, ये उसके फादर की एज नहीं थी साहब। तो वो, मैं उन लोगों को नहीं जानता हूँ, मैं सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को, किसी को नहीं जानता हूँ, मैं उसकी बहनों को भी शक्ल से नहीं पहचानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ, क्योंकि मैं भी इस इंडस्ट्री में काम करता हूँ, एंड आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस होल इशू। मुझे लगता है कि साहब किसी को तो आवाज़ उठानी चाहिए, सिर्फ एक शेखर कपूर बोलता है और एक शेखर सुमन साहब बोलते हैं, ये दो जेंटलमैन हैं हमारी इंडस्ट्री के जो खुल के बात तो कर रहे हैं कम से कम, बाकी सब लोगों को तो सांप सूंघ गया है। अरे क्यों भाई, कौन तुम लोगों को मार डालेगा यार, तुम लोगों की इतनी पावर है, हम लोग इनको इतना पावरफुल बना के रखा हुआ है कि ये लोग एक एक एपिसोड का 2-2, 2.5-2.5 करोड़ रुपया चार्ज करते हैं, मतलब दे चार्ज 35-40 CR फॉर अ फिल्म। अब आप मुझे बताइए, हमने इन लोगों को इतना पावरफुल बना दिया तो इनका फ़र्ज नहीं बनता है क्या? अगर रजनीकांत सर बोले, बिकॉज रजनीकांत सर की बहुत पावर है, अगर तमिलनाडु में ऐसा कुछ हुआ तो रजनीकांत सर ज़रूर कूदते बीच में। तो आई रिक्वेस्ट अमिताभ बच्चन जी को, अक्षय कुमार को, वो बहुत अच्छे लोग हैं, मैंने सुना है बड़ा परोपकार करते हैं, धर्म दान धर्म करते हैं, ये लोग तो कुछ तो बोलें। मैं इन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं सलमान सर से बोलता हूँ कि भाई आप लोग तो इतने बड़े स्टार्स हो, अगर आप लोग पब्लिक को एक बार आके बोल दोगे कुछ भी, लोग ठीक है अभी आपको बदतमीजी बेवकूफ़ी लगती है, लोग तो गालियां देंगे फालतू की, किसी के गाली देने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन अगर एक बार ये आके बोल दे पब्लिक में कि आप लोगों की तरह हम भी उतने ही आहत हैं उसके जाने से, हमारा भी बच्चा था, हमारा भी छोटा भाई था, हम लोगों का ये जो शोक है ये साझा है, हम सब लोग इसमें शोक में शामिल हैं, हमें अलग मत कीजिए, एक बार तो बोले वो कम से कम, एक बार भी किसी ने नहीं बोला ये बात, तो मैं आप लोगों के सामने ये बोलता हूँ कि CBI की जांच होनी चाहिए। अगर आप लोग इस चीज़ को सही मानते हैं
तो आप लोग, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको लाइक कीजिए या इसको सब्सक्राइब कीजिए, आई डोंट केयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, आई डोंट केयर, आप मत देखिए कुछ, एटलीस्ट टॉक अबाउट दिस, इस चीज़ को जिंदा रखिए, ये मेरा अपनी तरफ से एफर्ट था, आगे भगवान मालिक है। सुशांत वी लव यू ब्रदर, आप जहाँ भी हों आप ये जान लीजिए कि आज की डेट में आप इंडिया में आज तक के इतिहास के सबसे पॉपुलर एक्टर्स में से एक हैं, एंड भगवान आपके परिवार को शक्ति दे आपके इस बिछड़ने की जो घटना हुई है उससे जूझने के लिए।